वर्धा जिले के सावंगी मेघे अस्पताल क्षेत्र में तेंदुआ घुसने से खलबली मच गई। तेंदुए के अस्पताल परिसर में घुसने की खबर सुनते ही अस्पताल के मरीजों में दहशत का माहौल बना है। वहीं कई घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग कर्मचारियों को तेंदुए को पकड़ने में सफलता मिली है। वर्धा के सावंगी परिसर में सुबह 9 बजे तेंदुआ देखने से परिसर में खलबली मच गई। तेंदुए को सबसे पहले अस्पताल की छत पर देखा गया और फिर एक बड़े पेड़ पर बैठा पाया गया। वन विभाग की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, तेंदुआ इलाके में नाली में घुस गया। उसे पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है। पिछले कई घंटे से तेंदुए को पकड़ने का काम जारी था। अस्पताल की छत पर तेंदुआ देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी है। वहीं तेंदुए के अस्पताल परिसर में घूमने से उनमें दहशत का माहौल भी बना हुआ है। तेंदुआ नाली में घुस गया था, जिसे बाहर निकालने के लिए वनकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार तेंदुए को पकड़ लिया गया। स्वास्थ्य सेवक परीक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप के चलते स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के इस्तीफे की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नागपुर के मेडिकल चौक परिसर में राज्य सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के खिलाफ प्रदर्शन कर उनके इस्तीफे की मांग की। जहां स्वास्थ्य सेवक की परीक्षा जो ली गई, उसमें बड़ी गड़बड़ करने का आरोप भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लगाया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज विद्यार्थी के भविष्य के साथ प्रश्न उपस्थित किया है। आप सबको पता है, जब शिक्षण अर्हता व्यक्ति जब परीक्षा ले गई तो पहली बार कोई कारण न देते हुए परीक्षा रद्द की गई। उसके बाद परीक्षा सितंबर में ली गई, तो उस समय जो हॉल टिकट में जो सेंटर था, कोई चाइना दिखाया गया तो कहीं 500 किलोमीटर दूर अंतर का सेंटर दिया गया। उसके बाद कल जो पेपर 10 बजे का होना था, वो 10 बजे ना होते हुए 12 बजे 1 बजे और वहाँ पे जब पेपर आए गए, तब पेपर पूरी तरह बिखरे हुए थे, उनके सब सील फूटे हुए थे। मुझे लगता है सरकार ये सब नशे में है और ये सरकार गंजेटी के समर्थन में आज आगे आ रही है, पर जहाँ विद्यार्थी का जो विचार है वो ये सरकार कर नहीं पा रही है। मुझे ये कहना है पत्रकार के माध्यम से कि आप हमसे पूछने से अच्छा जो समर्थन हो, जो गंजेटी के खिलाफ कर रहे हैं, उनके समर्थन में कर रहे हैं, आज उनने जाके प्रश्न पूछना चाहिए। और हमारा मांग है भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से कि राजेश टोपे ने अपना राजीनामा देना चाहिए। जब राजेश टोपे अपना राजीनामा देते हैं तो ये सब जवाबदारी उद्धव ठाकरे की है और उद्धव जी अपना पद का राजीनामा देंगे।